नीचे ऑलरेडी एक पैंट पहनी है, इसके नीचे ऑलरेडी पहनी है पूरी। ये मैं पता है जब मैं छोटा था ना, रेस पे फोकस कर, फिनिश लाइन पे यार रेस। Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मेरे नाक और मेरे गले का बैंड बजा हुआ है। दरअसल क्या हुआ कि दिवाली का टाइम आ रहा है तो और घर भी जाना है, तो मैं सोची थी घर जाने से पहले पूरा अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँ रूम का, घर का। तो साफ़ सफाई करने के चक्कर में ये हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि वो नहीं करो, एक्चुअली क्या है कि डस्ट से मेरे को प्रॉब्लम है, धूल मिट्टी वगैरह से, उससे ना एलर्जी है, सर्दी वगैरह हो जाता है। मास्क लगा के कर रही थी, उसके बावजूद भी गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नाक दोनों जाम है। आज तो कुछ बेटर है, मतलब दो दिन से इतना परेशान थी इसलिए कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था, इसलिए कल मैंने वीडियो भी नहीं डाला। और जब तबीयत ठीक नहीं होता ना तो मेरा तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता है। तो आज कुछ ठीक है इसलिए आज मैंने वीडियो बनाना शुरू की। तो चलिए पानी पीती हूँ, पहले थोड़ा सा गले को गर्म गर्म पानी पीऊँगी तो आराम रहेगा। फिर तो उसके बाद खून को भी ब्रश कराना है। और अभी मैं जा रही हूँ तुलसी वाला पानी पीने। तुलसी को ना, तुलसी को पानी में बॉयल करके उसको पीऊँगी। तो ये मेरा पानी बॉयल हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्म था इसकी वजह से अभी पी नहीं रही थी। मेरा हर मॉर्निंग का डेली का हो गया, मतलब बहुत पहले से ही मैं गुनगुना पानी पी रही, मतलब ये इतना बड़ा ग्लास देख रहे हैं ना, ये पूरा भर के पानी है। और जिस दिन नहीं पीती हूँ उस दिन मुझे कुछ लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। खू को बलून मिल गया कहीं से सुबह सुबह। कौन दी आपको बलून? ये कोमल दीदी दी है, उसमें तुलसी का पत्ता है बेटू। नहीं मम्मा बेटू, ये आप पहचान रहे क्या है? ये महुआ है, हम लोग इसको महुआ बोलते हैं। आप बाकी लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये मैं घर से लेके आई थी, इसको अभी धूप में डालना है। ये ना बारिश हो रहा था उसकी वजह से इसमें मॉइस्चर आ गया, तो इसको धूप में डालूंगी और इसका मैं शाम को पराठा बनाऊंगी। देखिए कू के डैडी आ गए ड्यूटी से, उनको देखते इतना तेज से दौड़ के भागी है कि आ गए आ गए, और ऊपर जाके चढ़ गई। और देख अलग ही एक्साइटमेंट रहता। अरे बस 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 करो, क्या लेके आए डैडी? वाह पकौड़े, यहाँ का पकौड़े का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके साथ वो पपीता को कद्दूकस करके उसमें मसाले वसाले मिलाए रहते हैं, और ये हरा मिर्चा, और ये पता नहीं क्या है, मीठा मीठा लगता है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता लेकिन पकौड़े बहुत ही अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है कू खाने में? इस कार्टून को देखिए, टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहननी है और वो पैंट के अंदर भी एक पैंट है उसके ऊपर ये पैंट पहन रही है। गंदी कहीं की पहनो तो पहले नहाओगी तब ना। ये सारे कपड़ों के ढेर पड़े, सबको फोल्ड करना है, उधर भी टंगा हुआ उधर भी टंगा हुआ है, ये सारे कपड़े फोल्ड करना। सबसे ज्यादा कपड़ा कुहू का है। देख साइकिल, पहले कबर्ड से कपड़ा निकालो, उसको पहनो, फिर धो, फिर वापस फोल्ड करो, फिर कबर्ड में डालो। साइकिल की तरह डेली डेली चलता रहता है। ए रुक जा, दो फोल्ड करो, धोने में तो ठीक है धुला जाता है, फोल्ड करके वापस रखने में ना बड़ा बुरा लगता है। और ये देखिए फोल्ड करने नहीं देगी, मैं फोल्ड करती रहूंगी, ये बिगाड़ती रहेगी है जी। और आधे टाइम तो ये काम मेरा बढ़ा देती है कू, रुक जा।
इसका फिर से स्टार्ट हो गया, देखिए उसके, ये देखिए इसके नीचे ऑलरेडी एक पैंट पहनी है, इसके नीचे ऑलरेडी पहनी है, फिर ये पहनी है, अब ये पहन रही है, क्या कर रही है? अंदर वाला निकालो उसको, इसको अंदर वाला निकालो, ये निकालो, ये निकालो, stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade. Hey, ready ho gaye? हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट, दिवाली की कुछ शॉपिंग करनी है, तो बस वही निकल रहे हैं। यार ये मेरी ना बहुत गंदी आदत है, जब भी मैं कुछ करती हूँ ना तो बार बार ऐसे ऐसे या तो ऐसे, ये अक्सर करती रहती हूँ। मुझे खुद लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन भूल जाती हूँ। चलिए चलिए, मैं ये दरवाज़ा लॉक और कुछ सॉफ्ट स्लीपर पहन के चलना, कहीं जाना तो वैसे है नहीं। बंद करिए, साड़ी लेने आए। ये सारी साड़ियाँ ना बांधनी है, गुजराती बांधनी होती वही है, यहाँ पे हैंडमेड मिलता है और प्राइस भी रिजनेबल होता है, वैरायटी भी काफ़ी रखता है। जब हम लोग घर जाते हैं तो यहाँ जरूर आना हो जाता है, किसी ना किसी के लिए साड़ियाँ लेना ही पड़ जाता है। तो बस अभी वही ले रही, एक दो साड़ियाँ लेना है, काफ़ी अच्छा। और ये सूट का पीस भी रखते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। बस ये है कि सारी साड़ियों को ड्राई क्लीन करना पड़ता है, अगर आप हाथ से धोगे तो सारे पेंट निकल जाते हैं। बट एक होता है ना कि स्टेट स्टेट का अलग अलग वो होता है, जैसे बनारस की बनारसी साड़ी है तो गुजरात की बांधनी साड़ी है, बहुत फेमस है। ये हैंडमेड होता है, पूरा हैंड से बांधनी वाली पेंटिंग होती है। गोलगप्पे खाने आए हैं यहाँ, मतलब हम लोग का यहाँ का जो टेस्ट है ना गोलगप्पा का, बिल्कुल यूपी जैसा स्टाइल का है, एकदम यूपी स्टाइल का ये गोलगप्पा देता है, इसलिए हम लोग अक्सर यहीं पे खाते हैं। ये यहाँ ऐसे प्याज मिलता है, धोने में प्याज मिलेगा, फिर इसको आपको गोलगप्पे में डालना है, उसके बाद खाना है। टोकरी में क्या है? तो सुबह जो मैंने महुआ दिखाया था ना, तो मैंने इसको 2-3 घंटे पहले ही भिगा दिया था। ये बहुत ही हेल्दी भी होता है हेल्थ के लिए, तो इसी का मैं आज पराठा बनाऊंगी। तो इसको पहले क्या करना है, पीसना है और इसमें 1-2 चम्मच मैं गुड़ डालूंगी, थोड़ा सा मीठा करने के लिए। ये मीठा ही होता है बट इतना मीठा नहीं होता है, तो जितना आपको मीठा चाहिए उतना डाल के गुड़, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लेना है। तो मैं इसको पीस रही हूँ, पीसने के बाद आटा लेना है और इसको आटे में मिला के अच्छे से
गूथ लेना है, जैसे आप रोटी बनाने के लिए गूथते बिल्कुल वैसे गूथना है। और मीठा जैसा आपको चाहिए कम बेसी, उसके अकॉर्डिंग आप गुड़ भी डाल सकते हो। अगर आप गुड़ नहीं खाते हो तो उसकी जगह आप चीनी डाल सकते हो। तो मेरा ये अच्छे से गूथ गया, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी सेट होने के लिए। और आपको जैसे पराठा बनाते हैं, या तो त्रिकोण बनाए या तो गोला बनाए, मैं सिंपल गोला गोला रोटी जैसे बना के इसको घी में सेक दूँगी। फिर इसको आप चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। हरी चटनी के साथ, मतलब धनिया के चटनी के साथ या किसी और भी चटनी के साथ खाना है तो बहुत टेस्टी लगता है। ये मेरा पराठा और उसके साथ धनिये की हरी चटनी, और इसके साथ इस दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। खूब खा के देखो बेटा कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है बता दो। क्या बोला प्रिंस? तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। लोगों को साथ से खिलाफ चलने में एक पल लगता है बस।